अंधकार के एक दौर के अंत की शुरुआत थी। साल के उस वक्त जब दिन छोटे होने लगते हैं और रातें लंबी, अंधकार के एक घने साए ने भारतीय इतिहास के एक दौर को अंधेरे में जकड़ लिया था। सुबह तो हुई थी लेकिन लोगों की आवाज गुम हो चुकी थी। लोग अंधेरी कोठरियों में बंद थे। 20वीं सदी का इतिहास ऐसी त्रासियों से भरा पड़ा है जब कोई नेता सर्वप्रिय जनमत या लोकतांत्रिक संस्थाओं की पतौलत सत्ता में आकर लोकतंत्र पर हावी हो जाता है और निहित स्वार्थी समसों से गिरकर आत्ममोह का शिकार हो जाता है। ऐसे हालत में ये स्वार्थी तत्व भ्रष्टाचार और आतंक का सहारा लेकर जनता और विपक्ष की आवाज खामोश करने की कोशिश करते हैं और थानाशाही थोपने की कोशिश करते हैं। 25 जून साल 1975, अंधेरे सायों का कद काफी लंबा हो गया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी। दिस इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। इमरजेंसी देश के ऊपर एक कहिए के बिजली की तरह गिरी और जहाँ पे कोई कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाउड्स या किसी किस्म के टर्बुलेंस नहीं देख रहा था। कहा यह जाता है कि इमरजेंसी लगाई गई जेपी आंदोलन को दबाने के लिए, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी की कुर्सी को बचाने के लिए लगाई गई। इमरजेंसी की असली वजह कौन है? साल 1975 के जून में जो हुआ था उसकी जड़ें कहीं बहुत पीछे जमी थी। इस सवाल का जवाब 1971 में मिल सकता है जब इंदिरा ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। लेकिन थोड़ा उससे पीछे चले तो इस सवाल के जवाब ज्यादा बेहतर मिलने शुरू हो जाते हैं। जब मिसेस गांधी आई तो क्लैश शुरू हो गया प्रिंसिपल्स पे कि भाई मिसेस गांधी जो चाहती थी वो करना चाहती थी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, ये उस वक्त की बात है जब 1971 में इंदिरा गांधी ने हिम्मत करके बांग्लादेश को आज़ाद कराया और उन्होंने अमेरिका से भी टक्कर ली थी। बहुत बड़ी उनकी ये उपलब्धि थी तो इसलिए उनको लोग पूछने लगे थे। इनके परिवार में उसके बाद से एक पता नहीं क्या वहम सा हो गया है कि अगर अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो फिर देश हम चलने नहीं देंगे। सन 67 से ही देश के सियासी तबके में छवियों का युद्ध शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री का पद पाने के लिए कांग्रेस के भीतर ही इंदिरा को कांग्रेस संसदीय दल में अपने प्रतिद्वंद्वी मोरारजी देसाई को हराना पड़ा था। उनके लिए ये बहुत असामान्य सी हालत थी। जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। इंदिरा गांधी को तो एक कोठरी ने 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की खुद की फौत हो गई ताशकंद समिट में, तब अचानक कुछ लोग समझते थे कि इंदिरा गांधी को मैनिपुलेट कर सकते हैं या उनके कंधों पर रख के हम अपना बंदूक चला सकते हैं जैसे कामराज थे वगैरह। कुछ दिनों बाद ही कामराज और उन लोगों को जिन्होंने इंदिरा गांधी को बनाया था और ये समझ करके बनाया था कि प्रधानमंत्री हमारे कहने के अनुसार चलेंगे, तो उनको थोड़े दिनों बाद इस बात का एहसास हो गया कि इंदिरा गांधी तो अपने ढंग से चल रहे हैं।
लिहाजा कांग्रेस के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। 1967 में संसदीय आम चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा में बहुत ही मामूली बहुमत मिला था। 1967 में ये हुआ था उस जनरल इलेक्शन में कि पहली बार ये ऐसा हो गया था कि लोग जो हैं कांग्रेस को काफ़ी हद तक रिजेक्ट कर दिए थे, और अगर कांग्रेस को एक सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट में मिली थी तो सिर्फ एक ही वजह थी उसकी, कि वो वजह थी कि कई प्रांतों से, खासतौर साउथ से, वहाँ से वो एक स्वीप किया था। लेकिन अमृतसर से लेके कलकत्ता तक कांग्रेस हर स्टेट गवर्नमेंट हार गई थी। विपक्षी दलों ने उस चुनाव में गैर कांग्रेसवाद की रणनीति अपनाई थी और 9 राज्यों में विपक्षी दलों की संयुक्त सरकारें सत्ता में आ गई थी। पहली दफा हिंदुस्तान के 8-9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी आजादी के बाद पहली दफा। आप नहीं भी कह सकते हैं, केरल में जो CPM की सरकार बनी थी उसको अगर आप किनारे कर दें तो बड़े पैमाने पर एक कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण जो है देश में बनना जो है शुरू हुआ था। इसी आधार पर संसद में भी विपक्षी दलों ने आपसी तालमेल किया था और उनकी भूमिका बहुत असरदार हो गई थी। 1967 के बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज कांग्रेस की जगह ली, उन्होंने जो यूनाइटेड फ्रंट्स बनाए या फिर लेफ्ट फ्रंट्स बनाए, उन्होंने ऐसा एक मुजाहरा दिया सत्ता का कि लोग फिर बहुत जल्दी नाराज़ हो गए नॉन कांग्रेस पार्टीज से, और फिर 71 में फिर से कांग्रेस को और इंदिरा गांधी को लेके आए। कांग्रेस के अंदर इंडिकेट बनाम सिंडिकेट का झगड़ा सतह पर आ गया था। जुलाई 1969 में बेंगलोर की एक बैठक में वो लड़ाई खुल करके सामने आ गई। कारण ये था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के मरने के बाद इस बात का निर्णय किया जाना था कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन हो, तो कामराज और कामराज के साथी जिसको चाहते थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे, लेकिन इंदिरा गांधी उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्नीस सौ 69 के पहले सप्ताह में बेंगलोर में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक हुई। इंदिरा के नजदीकी PN हक्सर ने इंदिरा को व्यक्तिगत लड़ाई को वैचारिक रूप दे देने की सलाह दी। PN हक्सर और उनके साथियों ने मिलकर निजलिंगप्पा के मुकाबले इंदिरा को अधिक समाजवादी और गरीबों की हमदर्द के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। उस वक्त ये थी कि भाई कौन सी चीज पॉपुलर करती है, वैसे नेशनलाइज किया जाए बैंक तो अलग बात है, लेकिन ये एक लोगों में एटमॉस्फेयर कर दिया गया था कि देखो एक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंश्योरेंस कंपनी और बैंकों को नेशनलाइज किया जाए लोगों को। अच्छा, तो उससे एक वातावरण बन गया। ये जो मुरारजी देसाई था वो कहता था सोशल कंट्रोल कर लो, जो बाद में हुआ, लेकिन वो कहता था इससे मत करो, इससे फंड्स का पता नहीं चलेगा, बहुत खलत मलत होगा। लेकिन मिस्टर गांधी माने नहीं उससे बहुत, और जब हुआ तो लोगों ने समझा जैसे कि पैसा सब उन्हीं को आ रहा है, तो बहुत उसमें मिस्टर गांधी के हक में बहुत एक एटमॉस्फेयर बना। बेंगलोर में ही इंदिरा गांधी ने देश के 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का ऐलान कर दिया। दिल्ली लौटते ही इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को पद से हटा दिया। देसाई बैंकों के राष्ट्रीयकरण के घोषित विरोधी थे। देसाई के हटते ही बैंकों के राष्ट्रीयकरण का अध्यादेश ले आया गया। जाहिर है इंदिरा गांधी खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर स्थापित करना चाहती थी जिसे पार्टी की जरूरत नहीं बल्कि जिसकी पार्टी को जरूरत है। राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी थे। वीवी गिरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार थे के सुब्बाराव, जो सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे।
पार्टी की परंपराओं और अनुशासन को परे रखते हुए प्रधानमंत्री ने तय किया कि वो गिरी का समर्थन करेंगे। हालांकि पहले यह फैसला सार्वजनिक नहीं किया गया। संजीवा रेड्डी का मतलब उसको ये ख्याल था कि ये संजीवा रेड्डी कहेगा जब आके कि भाई तुम रिप्रेजेंट नहीं करती लोगों को और मुझे उतार देगा, फिर इलेक्शन करवाएगा या फिर यहाँ पे होगा, तो वो उससे डरती थी कि ये मुझको रहने नहीं देगा इस गद्दी पे। कांग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा ने स्वतंत्र पार्टी और जनसंघ से अपील की कि दोनों पार्टियां सुब्बा राव के बदले रेड्डी का समर्थन करें। राष्ट्रपति का चुनाव 20 अगस्त 1969 को होने वाला। उन्नीस सौ उनहत्तर में उन्होंने पार्टी स्प्लिट की और एक नया एजेंडा दिया कांग्रेस का, तो उस एजेंडा के बेसिस पे फिर कांग्रेस जो है 1971 में एक शानदार जीत हुई। और उसके बाद लेकिन फिर 1973 तक उनका कंट्रोल जो है देश के ऊपर प्राय ख़त्म हो गया था। सरकार अल्पमत में आ गई थी, इंदिरा का पद असुरक्षित हो गया था। अब सत्ता बचाने के लिए ध्रुवीकरण जरूरी था। कांग्रेस के बंटवारे की घटना और राष्ट्रपति के चुनाव की घटना साथ साथ हुई है, और बंटवारे के बाद इंदिरा गांधी अल्पमत में आ गई हैं। कम्युनिस्टों के बल पर वो सरकार चल रही थी, तो इस तरह से कांग्रेस एक जो लोकतांत्रिक संस्था के तौर पर काम करती थी उसमें परिवर्तन हो गया। इंदिरा गांधी एकमात्र नेता के रूप में उभर करके सामने आती हैं। 18 मई 1970 को गृहमंत्री वाईबी चव्हाण ने देशी राजाओं की सुविधाओं को खत्म करने का संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया। बिल लोकसभा में तो पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में एक वोट से गिर गया। ऐसे में राष्ट्रपति के दस्तखत से एक सरकारी आदेश जारी किया गया और रजवाड़ों की पेंशन खत्म कर दी गई। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को मनमाना बताया। चूंकि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले में भी अदालत बीच में आ गई थी, ऐसे में अपने अधिकार और सत्ता को चुनौती मिलते देख प्रधानमंत्री ने जनता के बीच जाने का फैसला कर लिया। हालांकि लोकसभा का कार्यकाल अभी 14 महीने बचा हुआ था, लेकिन इंदिरा का आरोप था कि गरीबों की बेहतरी के लिए उनके कामों में प्रतिक्रियावादी ताकतों ने बाधा डाल दी है। इस चुनाव में इंदिरा गांधी या उनके किसी गुमनाम सहयोगी ने गरीबी हटाओ का नारा गढ़ा। ये नारा जनता में चल निकला। प्रीवर्स के खात्मे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ इस नारे को मिलाकर चुनावी समा बन गई थी। उन्होंने देखा भाई शायद ये किरण है, एक उम्मीद है। मिसेस गांधी एक उम्मीद दिलाती थी, मुरारजी तो दिलाता नहीं था, तो कैसे, क्योंकि औरतों को पार्टी नहीं थी। तो ये कांग्रेस में ये है भाई शायद ये कुछ करेगी। ये कहा करती थी कि भाई मैं ऐसी होगा कि गरीबी हटाऊंगी, तुम्हें वोट दो मुझे और मैं गरीबी हटाऊंगी। फिर लोगों ने मान लिया कि शायद गरीबी हटाएगी। जनता से वोट मांगते वक्त उन्होंने अपने आकर्षक व्यक्तित्व, अपने पिता की ऐतिहासिक भूमिका और इस नारे का खुलकर इस्तेमाल किया।
लिहाजा 518 सीटों में से कांग्रेस को 352 पर जीत हासिल हुई। दूसरे नंबर पर आने वाली सीपीएम को महज 25 सीटें ही मिली। ये एक व्यक्ति की जीत थी। इस प्रबल बहुमत ने, मेरा ये मानना है कि ये मनुष्य की का मनोविज्ञान भी इसी तरह से काम करता है, उन्होंने ये माना कि ये मेरी विजय है, पार्टी की विजय नहीं है। और उसके बाद जो इंदिरा गांधी ने कांग्रेस को एक पारिवारिक वंशवादी राजनीतिक पार्टी के रूप में तब्दील कर दिया। लेकिन इस जीत के साथ ही उनके लिए आलोचना बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता गया, और तब बाद में कांग्रेस का नाम भी कांग्रेस आर से कांग्रेस आई, यानी कांग्रेस इंदिरा हो गया। लेकिन शायद किस्मत इंदिरा गांधी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। सन 71 में पाकिस्तान के साथ भारत की एक बड़ी लड़ाई हुई। और पाकिस्तान को करारी शिकस्त मिली। इस जीत का सेहरा जाहिर है इंदिरा गांधी के सर बंधा। हमने यहाँ भारत में भी तीन वादे किए थे अपनी जनता से। पहले ये कि जो शरणार्थी यहाँ आए हैं वो सब वापस जाएंगे। दूसरा ये कि हम हर तरह से मुक्ति वाहिनी की सहायता करेंगे, बांग्लादेश के लोगों की मदद करेंगे। और तीसरे कि शेख साहब को हम जरूर छुड़वाएंगे जेल से। हमने भी अपने तीनों वादे पूरे किए हैं। 71 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी के आशातीत सफलता के पश्चात उस समय के लोकतांत्रिक गठबंधन की हार के बाद विपक्ष तो बहुत ज़्यादा पस्त सा था, और श्रीमती इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे पर सवार होकर उनके भी अपेक्षा जितनी देरी होगी उससे अच्छे बहुमत से जीत कर आ गई थी। अब इसके बाद उनको उनकी अपनी असुरक्षितता की मनस्थिति के कारण अब उनको लगा कि उनका एक छत्र साम्राज्य हो सकता है। लेकिन 1971 के आम चुनाव के बाद भ्रष्टाचार का मुद्दा लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। भ्रष्टाचार और महंगाई में बढ़ोतरी से जनता में असंतोष बढ़ने लगा। हम भी करें और भी करें, हमसे जितना बन पड़े हम करें, इस भाव की बजाय मैं ही कर सकती हूँ, बाकी को तो कुछ मालूम नहीं है, इसलिए जो मैं कहूँ उसको ठीक ढंग से पालन करना उनका काम है। और इसमें इसके कारण धीरे धीरे असहमति को वो विरोध मानने लगी, और स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में चाटुकार मित्र माने जाएंगे और मित्र विरोधी मान लिए जाएंगे। ऐसी स्थिति 72 होते होते जो बनी, और देश में वैसे भी भ्रष्टाचार, कुशिक्षा, साथ में महंगाई और बेरोजगारी, इनका प्रकोप तो बढ़ता ही चला जा रहा था। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के अंदर असंतोष और विरोध को ठिकाने लगाया। इधर बिहार में ललित नारायण मिश्र उभर रहे हैं तो उनका कद छोटा किया जा रहा है। श्री हेमावती नंदन बहुगुणा सफलतापूर्वक मुख्यमंत्री का काम कर रहे हैं, उनको अचानक हटा दिया जाता है। इन सब बातों से कांग्रेस जनों में भी लगने लगा कि ये तो बात ठीक नहीं है, ये तो लोकतंत्र की भावना का अभाव सा हो गया है। राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस के नेता का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना बंद हो गया। राज्य इकाइयों के हर पदाधिकारी का नाम इंदिरा खुद तय करने लगी। पार्टी के अंदर लोकतंत्र के आधार पर संगठन के चुनाव बंद कर दिए गए। 71 की लड़ाई के बाद इंदिरा लोकप्रियता के चरम पर पहुंच गई थी। उनके भाव विश्व में ये बात बन गई बांग्लादेश की जीत के बाद, मानो वो तारणहार हैं और भेजा ही गया है विधाता के द्वारा उनको भारत को मजबूत बनाने और विश्व की शक्ति बनाने के लिए।
ऐसी कुछ बातें जो अलोकतांत्रिक भाव है, मैं ऐसा मानता हूँ। 1972 में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने थे, लेकिन इंदिरा ने बिहार, पंजाब और हरियाणा की विधानसभाओं को भी समय से पहले भंग करवा दिया और इन राज्यों में भी चुनाव करवा दिए। इस चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। इसको इंदिरा एरा के नाते अगर आप देखेंगे तो उसमें असहिष्णुता, कल्ट फिगर की बात होना और मैं जो कह रहा हूँ वो सही, इस नाते बढ़ते हुए इसी का एक आप देखेंगे तो चरम मैं कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष श्री देवकांत बरुआ वो यहाँ तक कह बैठे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा अपनी लोकप्रियता के शिखर पर तो थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके दो लोकप्रिय फैसलों पर रोक लगा दी थी। ये थे प्रिवी पर्स का खात्मा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। जवाब में इंदिरा ने संविधान और अदालत के पर कतरने की ठान ली। नतीजा था संविधान का 24वां और 25वां संशोधन। नवंबर 1971 को 24वां संशोधन लाया गया। उसमें कहा गया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव ला सकती है, चाहे इससे संविधान की मूल भावना ही क्यों न बदल जाए। हालांकि 3 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने मशहूर गोलकनाथ केस के फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान के मौलिक रूप में बदलाव लाने का अधिकार नहीं है। 1972 के अप्रैल में 25वां संशोधन लाया गया। इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिवी पर्स के मुद्दे पर सरकार जो लड़ाई हार चुकी थी उसे पलट दिया गया। इंदिरा सरकार के इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। इसे केशवानंद भारती केस कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार 13 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और 24 अप्रैल 1973 को 7-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया गया कि संसद के पास संविधान में बदलाव के असीमित अधिकार नहीं है और वो संविधान के मूल ढांचे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती। आप कॉन्स्टिट्यूशन का गला घोंटकर आप जो मर्जी कर लें वो डिक्टेटरशिप है, नहीं तो बाकी डेमोक्रेसी में जुडिशियरी की कहाँ जगह होनी चाहिए? पार्लियामेंट, आखिर पार्लियामेंट इलेक्टेड है, पार्लियामेंट है भी सुप्रीम, ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो कोई भी रिपब्लिक और कोई भी डेमोक्रेसी का ये बेसिक नियम है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम। लेकिन पार्लियामेंट का सुप्रीम होने का ये मतलब थोड़ी है कि जितने और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आप गुलाम बना दें। इससे संविधान को बदलने की इंदिरा की कोशिश नाकाम रही। अब इंदिरा क्या करती? संसद में बहुमत उनका था, देश के राष्ट्रपति वीवी गिरी भी उन्हीं के बनाए हुए थे, लेकिन न्यायपालिका इंदिरा की नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस रोक ने उन्हें परेशान कर दिया। अब इंदिरा गांधी अदालत पर अपना कब्जा चाहती थी। वो चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की तरफ हो और सरकारी फैसलों की तरफदारी करे। वो इसे कमिटेड जुडिशरी कहती थी। लिहाजा इंदिरा गांधी ने एक अजीब कदम उठाया। चीफ जस्टिस एस एम सीकरी केशवानंद भारती मामले पर फैसला सुनाने के एक दिन बाद रिटायर हो गए। परंपरानुसार वरिष्ठता में उनके बाद आने वाले जस्टिस जे एम सेलत को मुख्य न्यायाधीश बनना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अप्रैल 1973 में चीफ जस्टिस बने जस्टिस ए एन रे, वो भी 3 सीनियरों को पीछे छोड़ते हुए। जस्टिस ए एन रे ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स और केशवानंद भारती सभी मामलों में सरकार का पक्ष लिया था। जस्टिस रे को चीफ जस्टिस बनाए जाने के विरोध में उनसे सीनियर
तीन जजों ने इस्तीफा दे दिया। जयप्रकाश नारायण सरकार के इस कदम से नाराज थे। जयप्रकाश नारायण मशहूर स्वतंत्रता सेनानी थे और इस वक्त तक सक्रिय राजनीति छोड़कर समाज सेवा कर रहे थे। जनता के बीच वो जेपी के नाम से मशहूर थे और उन्हें संत की तरह सम्मान दिया जाता था, लेकिन देश में घट रही घटनाएं उन्हें चिंतित कर रही थी। और जब सरकार का रवैया नहीं बदला तो 15 दिसंबर 1973 को जयप्रकाश नारायण ने सभी सांसदों के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी। न्यायपालिका में इस सियासी दखलंदाजी की कीमत अदा करनी पड़ी। कीमत अदा करनी पड़ी देश की जनता को और देश के जनतंत्र को। देश में व्यक्तिवाद का उदय हो चुका था। न्यायपालिका के साथ सरकार के इस भिड़ंत का असर लोकतंत्र पर कुछ ऐसा पड़ा जिसने अंधेरे सायों को लंबा और लंबा कर दिया था, जिससे लोगों की आवाज गुम हो गई। लोकतंत्र में से तंत्र का शासन हुआ और लोग अंधेरी कोठरी में बंद हो गए। सरकार और न्यायपालिका के टकराव के क्या अंजाम हुए? जयप्रकाश नारायण की नाराजगी से क्या बदला सरकार का रवैया? अदालत के फैसले ने कैसे बदला भारत में जनतंत्र का इतिहास? आपातकाल का सच में अगला अंक, फैसला। अब तक आपने देखा सन 67 से लेकर 71 तक इंदिरा गांधी मजबूत होकर उभरी, लेकिन कहीं ना कहीं देश में व्यक्तिवाद का उदय भी हुआ। प्रिवी पर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मुद्दे पर इंदिरा गांधी का टकराव न्यायपालिका से हुआ। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्तियों में सियासी दखलंदाजी की कीमत आखिरकार लोकतंत्र को चुकानी पड़ी। संविधान खामोश खड़ा अपने लोकतंत्र को देख रहा था। वह देख रहा था मूल अधिकारों में होते हुए बदलाव को। वह सुन रहा था न्यायपालिका से आने वाली आवाजों को। वह महसूस कर रहा था शक्तियों की टकराहट को। वह देख रहा था किस कदर विधायिका मूल अधिकारों को बदलने पर आमादा है और अदालत बार बार विधायिका को आगाह कर रही थी। बेसिक स्ट्रक्चर का जो जजमेंट आया उसके बाद अब बहुत मुश्किल हो गया किसी को कॉन्स्टिट्यूशनली एक तानाशाही लाने के लिए हमारे देश में। और इंदिरा गांधी भी एक दिखाओ के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में जितना कर सकें वो करने के लिए प्रयास की, तो इसलिए 42nd अमेंडमेंट लाई थी। उससे पहले मिस्टर गांधी ने जजों को सुपरसीड कर दिया और ऐसे जज लगा दिए जो कि उसकी बात माने। बड़ा कौन, वर्चस्व किसका, शासन किसका, यह जद्दोजहद थी लोकतंत्र के दो बड़े खेल। इस जंग में जिसके हितों की बात होती थी, जिसके लिए शासन था, जिसके लिए न्यायालय फैसले देते रहे, वही जनता पीछे छूटती चली गई। जनता अपने अधिकारों के लिए जंग लड़ रही थी। वह रोज कालाबाजारी से परेशान थी। वह भ्रष्टाचार से बार बार छली जा रही थी। वह महंगाई से तबाह थी। बांग्लादेश की लड़ाई में इंदिरा गांधी, या मैंने भारत जीता,
इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जीता तो उससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ी। लेकिन उसका जो दूसरा असर पड़ा कि इंदिरा गांधी बेताज बादशाह हो गए और जिन वादों पर वो चुनाव जीत करके आई थी उन वादों को उन्होंने भुला दिया और एक एक करके नकारना शुरू किया, जिसके कारण से दो साल बाद ही महंगाई, भ्रष्टाचार आदि, शिक्षा में सुधार, इन सवालों पर पहले गुजरात में बाद में बिहार में आंदोलन शुरू हुआ। 20 दिसंबर 1973 जब एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज अहमदाबाद के छात्र गुजरात में फैले भ्रष्टाचार कुशासन से परेशान हो चले थे। राज्य भयंकर सूखे के दौर से गुजर रहा था। उम्मीदें जगी थी 1972 के विधानसभा चुनाव के बाद, जब बतौर मुख्यमंत्री घनश्याम ओझा ने राज्य की कमान संभाली थी। लेकिन जल्द ही लोगों के हाथ निराशा थी। राशन लोगों को मिल नहीं पा रहा था। जमाखोरी का आलम बुलंदी पर था। उन दिनों में यहां गुजरात में महंगाई बहुत बढ़ गई थी। खाने के मिट्टी तेलों के दाम, अनाज के दाम, गेहूं का दाम, ये सब इस प्रकार का हुआ कि चारों तरफ छोटे बड़े सत्याग्रह शुरू हो गए, धरना शुरू हुआ, गोलियां चली। दोराजी नाम के एक छोटा सा गांव उपलेटा में, लिंबड़ी में, इस प्रकार की गोलियां चली। इसके कारण लोगों को लगा कि ये सरकार को बदलना चाहिए। जनता का रोष भांप कर जुलाई 1973 में चिमन भाई पटेल के हाथों गुजरात की बागडोर सौंपी गई। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई थी। ऐसे में एलडी इंजीनियरिंग के छात्रों के खाने के बिल अचानक 20% तक बढ़ गए। बदहाल छात्रों का रोष फूट पड़ा। नवयुवक निर्माण समिति बनी और 20 दिसंबर 1973 को अहमदाबाद में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। 73 दिसंबर में गुजरात में नवनिर्माण क्रांति का आंदोलन प्रारंभ हो गया। मोरबी के इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल में जिस प्रकार के शुल्क बढ़ा, उसके खिलाफ विद्यार्थी वहां आवाज उठाए, वो धीरे धीरे पूरे गुजरात पर व्याप्त हो गया उसका। छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, ये उभार होता आ रहा था। उसके पहले बर्कली यूनिवर्सिटी अमेरिका में भी स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर की बात थी। उसके पहले ब्लैक पावर की बात विदेशों में चल रही थी। उसी की एक छोटी सी धमक भारत में भी थी। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए पुलिस ने आक्रामक रवैया अपनाया। लाठी चार्ज हुई, गोलियां चली। छात्रों ने जान गंवाई। लड़ाई में अब आम जन भी साथ थे। 7 जनवरी 1974 के विरोध प्रदर्शन में पूरा अहमदाबाद आ जुड़ा। 10 जनवरी को पुलिस ने अहमदाबाद और बड़ोदरा में फायरिंग की। गांधी रोड पर एक तरफ पुलिस अपने बंदूक से लेकर खड़ी हुई होती है, सामने जवान लड़के लड़कियां, लड़के अपने शर्ट का बटन खोलकर सीने को दिखाते थे कि चलाओ गोली, हम मरने के लिए तैयार हैं। छात्रों का आंदोलन फैल गया। 20 जनवरी 1974 को गुजरात के 16 जिलों में बंद का आह्वान किया गया। राज्य सरकार ने आर्मी से मदद मांगी। अगली सुबह 26 जनवरी की थी, गणतंत्र दिवस, जनता का दिन, संविधान के लागू होने का दिन। लेकिन गुजरात का यह दिन संगीनों के साए में भी था। जनता अपनी आवाज की कीमत चुका रही थी और इनकी मांग थी सिर्फ रोटी। उनको नाम प्रोफेसर मावलंकर ने दिया नवनिर्माण आंदोलन,
तो चारों तरफ नव निर्माण चालू हो गया। पूरे गुजरात में एक महीने तक 144 धारा और लोगों को मिलने की मनाई और चारों तरफ गोली चालन, ऐसा आंदोलन गुजरात की राजनीति में बहुत कम हुए। जनता ना तो रुकी और ना ही डरी, रोष लगातार बुलंद और बुलंद होता गया और चिमन भाई पटेल ने 7 फरवरी 1974 को इस्तीफा दे दिया। लेकिन लोगों की मांग थी कि विधानसभा भंग की जाए और तब 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा भंग की गई। छात्रों के आक्रोश का यह आंदोलन 73 दिनों तक चला। इनमें 103 लोगों ने जान गंवाई, 310 घायल हुए और 8000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए। किस तरह से चिमन भाई सरकार जाती है और वहां पर सभी दल इकट्ठा होते हैं और एक जनता सरकार गुजरात में बनती है। पहली बार कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर जाती है उस आंदोलन के लिए। गुजरात की जीत हमारी है, अब बिहार की बारी है। छात्रों की आवाज बुलंद हो आसमान में गूंज रही थी। 18 मार्च 1974 को छात्र संघर्ष समिति ने बिहार विधानसभा का घेराव किया। पुलिस की कार्रवाई में 3 छात्र मारे गए। जनता में खबर पहुंची और लोग भड़क उठे। नतीजतन 23 मार्च को बिहार बंद किया गया। इस पूरे हफ्ते में 22 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। और 18 मार्च के दिन आए विधानसभा छात्र, विधानसभा घेराव के लिए पूरे बिहार से छात्र आए और उनके साथ संवाद की कोई स्थिति नहीं थी। स्वाभाविक था विधानसभा को घेर लिया गया, स्वाभाविक था फिर लाठीचार्ज होता, फिर अश्रु गैस भी हुई, पथराव भी हुआ और तब दोपहर में अफवाहें उड़ी, लालू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया, किसी शिवानंद तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी स्थिति में गोलीबारी हो गई और गोलीबारी में लोग फिर भगदड़ मची। जो लौटते छात्र थे वो उत्तेजित थे, मांगे भी पूरी नहीं हुई थी, किसी प्रकार कोई अराजकता की स्थिति थी, तो आगजनी भी हुई, सब हुई। उस समय के अखबार सर्चलाइट और प्रदीप जो थे उसको जला दिया लोगों ने, आर्यवर्त इंडिया नेशन को जला दिया, होटल्स जला दिए गए, पट्टा में कर्फ्यू लगा दिया गया, 1 दर्जन शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया बिहार के अंदर और आंदोलन हिंसक हो गया। 1 दर्जन से ज़्यादा लोग पुलिस फायरिंग के अंदर मारे गए। और तब जब हम लोग जेपी बीमार थे, हम लोग जेपी के पास गए, हम लोगों ने कहा कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, तो जेपी ने कहा कि मेरी शर्त है कि मेरे नेतृत्व को स्वीकार कीजिए, जो शांतिपूर्ण आंदोलन होगा तो मैं इसका नेतृत्व स्वीकार करूंगा। सर्वोदय मूवमेंट और छात्र संघर्ष समिति के अधिकतर लोगों को 29 मार्च तक गिरफ्तार कर लिया गया था। बुझाता है कि पुलिस है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण छात्रों का नेतृत्व करने के लिए तैयार हुए। पटना में 8 अप्रैल 1974 को शांति मार्च निकला। जिस ढंग से लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है जुलूस में दिखाई दिया, सड़क के किनारे लोग खड़े हैं लेकिन चेहरे का हाव भाव ऐसा बता रहा है कि ये बिल्कुल वो जुड़े हुए हैं इस जुलूस से। एक नारे नहीं, एक शब्द नहीं, दोनों तरफ सड़क के खड़े लोग केवल तालियां बजा रहे थे, अपने समर्थन के अभिव्यक्ति का वही एक साधन था और प्लेकार्ड्स थे कि भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही है, लोक व्यवस्था जाग रही है, हमला चाहे जैसा होगा हाथ हमारा नहीं उठेगा, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, ऐसे प्लेकार्ड्स थे। एक बार फिर राज्य में छात्र पुलिस की गोलियों का निशाना बने। 12 अप्रैल को गया
12 छात्र मारे गए। उस समय में जयप्रकाश जी ने एक बात की कि हम जनता की ओर से जांच समिति बिठा देते हैं। निष्पक्ष लोगों की समिति थी वो, और गए वो गया में, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस का पक्ष लिया था और कहा था कि ये लड़कियां ही गड़बड़ कर रही थी। अब जब ये बात बन गई और चीफ सेक्रेटरी का ये बयान आ गया, तो जयप्रकाश जी ने कहा कि सरकार को अब रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जहाँ एग्जीक्यूटिव का सर्वोच्च व्यक्ति इतनी गलत बयानी करता है और जनसमिति की जो बात है उससे सर्वथा विपरीत है। मैं मानता हूँ कि जनसमिति के लोग सही कह रहे हैं और सरकार अपने औद्धत्य पर आना चाहिए। धरना, घेराव, शांति प्रदर्शन सब चलता रहा, लेकिन सरकार पर असर नहीं पड़ा। 23 सितंबर को बिहार में दमन विरोध दिवस के रूप में छात्रों ने विरोध जताया। 20 अक्टूबर की तारीख जब गांधी मैदान में जेपी को सुनने जन सैलाब जमा था और मैदान में गूंज रहा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जनता का चुना हुआ कोई प्रतिनिधि अपने कार्यकाल की अवधि पूरी होने तक अपने पद पर बना ही रहे। प्रतिनिधित्व पर आधारित सरकार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करती, भ्रष्टाचारी, दमनकारी और अक्षम हो जाती है, तब मतदाताओं को यानी जनता को यह अधिकार है कि वह उनके इस्तीफे की मांग करे। भीड़ का कहना क्या, हजारों लाखों भीड़, और उसमें जयप्रकाश जी कहते थे कि अगर जयप्रकाश का को नेता मानते हो तो कहना जाके गांव में, उस दिन गाड़ियां नहीं चलेंगी, सड़क दुकानें नहीं खुलेंगी, बोलो साथ हो, हाथ उठाओ, और लाखों हाथ जो है इस तरह से उठता था, उस दृश्य की आप कल्पना नहीं कर सकते। राज्य में फैले भ्रष्टाचार और राज्य सरकार के रवैयों को लेकर जेपी ने दिल्ली में नवंबर में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मुलाकात की और तत्काल बिहार में अब्दुल गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए कहा, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही। अब धीरे धीरे इंदिरा गांधी की सत्ता के खिलाफ लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता चला गया। महंगाई को रोक नहीं पाई, बेरोजगारी को रोक नहीं पाई और आंदोलन को कुचलना उसने प्रारंभ कर दिया। 4 नवंबर को जो जेपी की रैली हुई, जो उनका प्रदर्शन था, उस पर लाठीचार्ज हो गया। बिहार और गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी हलचल हो रही थी। बंबई में रेलवे लोको में काम करने वाले घुट रहे थे। काम के अंतहीन घंटों से ये कर्मचारी दुखी थे। छात्रों और लोगों के विरोध प्रदर्शन से अलग यह कर्मचारियों का रोष था। इनके सब्र का बांध टूटा 8 मई 1974 को सोशलिस्ट नेता जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में देश में रेलवे की सबसे बड़ी हड़ताल हुई और 17 लाख कर्मचारी इससे जुड़े। जो वो रेल स्ट्राइक में जितना अत्याचार हुआ रेल मजदूरों के ऊपर, कितने परिवार बिखर गए, कितने लोग जेल में बंद हो गए, बहुत लोगों को तकलीफ हुई उससे, तो उससे जॉर्ज साहब को यही महसूस हुआ कि इतना हद तक वो जा सकती है एक स्ट्राइक को तोड़ने, तो इसका मतलब है अगले बार वो और भी कोई कदम ले सकती है। देश में चल रही बयार, जनता के बढ़ते आक्रोश के मद्देनजर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और इंदिरा गांधी के बचपन के दोस्त सिद्धार्थ शंकर रे ने 8 जनवरी 1975 को एक पत्र लिखा। 6 महीने इमरजेंसी से पहले उन्होंने सोचा था इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए, और ये साफ बता क्लियर होता है, सिद्धार्थ शंकर रे ने एक चिट्ठी लिखा है इंदिरा गांधी को, सारे स्टेप्स बताए जो करना चाहिए इंटरनल इमरजेंसी करने के लिए, ऑपोजिशन को अरेस्ट करना है, सेंसरशिप को ले आना है। देश में सरकारें लोगों से दूर होती चली जा रही थी।
साल 1974 का ही था, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में हुए संशोधनों के खिलाफ। याचिकाकर्ता थे राज नारायण। यह वही नाम था जिसने लगभग 3.5 साल पहले 24 अप्रैल 1971 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक और याचिका डाली हुई थी और वह थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव के खिलाफ। ब्लू बुक होती थी एक किताब जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में थी। इंदिरा गांधी से पहले जवाहरलाल के ज़माने में उसमें यह था कि उनकी सुरक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री की पब्लिक मीटिंग होगी उसमें इंतज़ाम सरकारी तंत्र करेगा, लेकिन उसमें लिखा हुआ था इलेक्शन की मीटिंग में ये नहीं लागू होगा। इलेक्शन की मीटिंग अगर होगी तो उसमें सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने उस ब्लू बुक में संशोधन किया और उस अपवाद को हटा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज नारायण प्रत्याशी थे इंदिरा गांधी के, रायबरेली से राज नारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद उन्होंने एक इलेक्शन पटिशन किया। तो जैसे कार्रवाई होती है कोर्ट की, चलते चलते घूमते घामते ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गया। मार्च 1971 के 5वीं लोकसभा चुनाव में एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का रायबरेली। रायबरेली से कांग्रेस की उम्मीदवार थी श्रीमती इंदिरा गांधी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से उम्मीदवार थे राज नारायण। नतीजे आने पर जीत हुई इंदिरा गांधी की, वो भी 1 लाख से ज्यादा के अंतर से। जीत पर आपत्ति थी। चुनाव जीतने के लिए श्रीमती गांधी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के 7 आरोप उच्च न्यायालय में दायर किए गए। केस की सुनवाई हाई कोर्ट ने 15 जुलाई 1971 से शुरू की। नवंबर 1974 से लेकर और 24 जून 1975 तक का ये जो समय है वो अदालतों में जैसे जैसे मुकदमा बढ़ा है तो अदालत हाई कोर्ट में मुकदमा जैसे जैसे प्रगति कर रहा था तो बहुत थोड़े लोगों ने उसको ध्यान दिया कि दरअसल ये मुकदमा इंदिरा गांधी के खिलाफ भी जा सकता है। 12 जून 1975 की तारीख आ गई। गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। कांग्रेस सार सत्ता से बाहर हो गई। बाबू भाई पटेल कांग्रेस ओ के मुख्यमंत्री बने। सरगर्मी बढ़ गई। इलाहाबाद में भी जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा की अदालत ने आरोप सही पाए और इंदिरा गांधी को दोषी पाया। चुनाव को अमान्य करार दिया गया, साथ ही अगले 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोक भी लगा दी। न्यायालय ने पाया कि पुलिस बल और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल कपूर ने इंदिरा गांधी के लिए काम किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया। स्थिति अब सामान्य नहीं रही। इंदिरा गांधी के वकील ने अपील की और आधे घंटे बाद ही जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने 20 दिन के लिए न्यायालय के फैसले को लागू होने से रोक दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उसको अमेंडमेंट कराया था। मैंने उनसे जरा मैं ये बात पूछी कि क्या आपके आदेश से ये हुआ था संशोधन। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो कहती हैं मेरे आदेश से नहीं हुआ था तो शायद संशोधन अवैध हो जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ मेरे हुकुम से हुआ था। तो उससे बात साबित हो गई कि उन्होंने खुद सरकारी तंत्र का उपयोग होने के लिए अपनी मर्जी से किया। फैसला दिया कि ये इलेक्शन पटिशन राजनारायण का सही है और इससे इंदिरा गांधी को पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ कि अगर पार्लियामेंट में नहीं रहती तो इंदिरा जी के पास दो ऑप्शंस थे, या तो रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ लेती
लेकिन अगर रिजाइन करके फिर इलेक्शन लड़ती तो वातावरण ऐसा उसके हाथ से निकल गया था कि वो फिर हार जाती। 12 जून से दिल्ली में हलचल बढ़ गई। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोगों के बीच अपनी बात कहने का रास्ता चुना। एक बार फिर दिल्ली की सारी सरकारी मशीनरी इंदिरा गांधी के लिए उठ खड़ी हुई। रैलियों का रेला शुरू किया गया और 20 जून को वोट क्लब में रैली हुई। वहां से सारी बसें पूरा का पूरा जत्था बसों का हटा दिया और राजनीतिक कार्रवाई में लगा दिया। और सिर्फ यही नहीं, मोटर व्हीकल्स एक्ट का उल्लंघन हुआ क्योंकि इन बसों को भेजा गया राजस्थान से लोगों को लाने के लिए, हरियाणा से लोगों को लाने के लिए, उत्तर प्रदेश से लोगों को लाने के लिए। तो ढोने का काम किया, जो कि डीटीसी के पास तो वो लाइसेंस नहीं है, वो तो लाइसेंस केवल दिल्ली शहर में चलने का लाइसेंस था, तो उनका गैर जिम्मेदार तरीके से इस्तेमाल किया गया। 20 जून 1975 को ही इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। वैकेशन जज जस्टिस कृष्णा अय्यर की अदालत ने 24 जून को फैसला दिया और कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी कार्य कर सकती हैं, लेकिन संसद में श्रीमती गांधी किसी मुद्दे पर वोट नहीं कर सकेंगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला भारतीय लोकतंत्र के लिए इतिहास था। कोख में एक और बीज पड़ चुका था। 24 जून सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भी आने वाले लोकतंत्र के लिए एक नई जमीन तैयार की। क्या होने वाला था देश में? अगले दिन का सूरज कौन सी राजनीतिक हलचल लाने वाला था? देखिए अगले अंक में कल शाम 7:30 बजे। अब तक इंदिरा गांधी की लोकसभा की सीट रद्द हो चुकी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने तक छूट तो दी थी, लेकिन सदन में वोट करने के अधिकार से वंचित कर दिया था। वहीं दिल्ली में जयप्रकाश नारायण एक बड़ी रैली करने वाले थे, कांग्रेस में खलबली थी, इतिहास एक दोराहे पर खड़ा था। मैंने ही उसमें पेटीशन बनाई थी और उसमें ये सब आरोप लगाए थे कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, और हुआ था और हाई कोर्ट ने फैसला भी दिया। अदालत के फैसले ने कांग्रेस में बेचैनी ला दी थी। 12 जून को श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनावी मुकदमे में न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, जिसमें उनके चुनाव में बहुत सी अनियमितताएं पाई गईं और इससे देश में संकट और व्यापक हो। हर किसी को इंतजार था अगले कदम का। कांग्रेस की मुखालफत में पूरा विपक्ष एकजुट था। जो आहट है आने वाले जो इवेंट हुए जिसके चलते इमरजेंसी लगी, उसकी पहली आहट इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट से लगी थी, क्योंकि उनके सामने दो ही विकल्प बचे थे कि या तो प्रधानमंत्री पद छोड़ दें या फिर अगर अपील भी करनी है सुप्रीम कोर्ट में तो एक बार उनको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ता है। जो अपोजिशन पार्टीज थी वो एक ऐसा देश का माहौल बना रही थी, ऐसा माहौल बना रही थी कि इसमें ना डिसिप्लिन था ना कोई किसी का, एक तरह से सिविल डिसोबीडियंस की बात थी। और उसके बाद जब JP मूवमेंट शुरू हुआ और उसमें सारे उनके सोशलिस्ट पार्टी के सारे लीडरान उस वक्त तो बहुत कदावर नेता थे, मधुलमाय और जयनारायण राज नारायण सिंह जी और बहुत से लोग, तो वो मतलब वो सब इकट्ठे हो गए। और वो जब इकट्ठे हो गए तो फिर, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि देश का नौजवान उनके साथ लग गया। 25 जून दोपहर नई दिल्ली रामलीला मैदान में रैली का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण।
हजारों की तादाद में सत्याग्रही जाएंगे। उन सत्याग्रहियों में जयप्रकाश नारायण भी होगा। मैं भी सत्याग्रह उस दिन करूंगा और वहां चाहे मेरी गिरफ्तारी हो चाहे जो भी हो, अब न्याय होगा। जमाना पलटा है, ये क्रांति होगी, ये सारा संघर्ष चलेगा। उनकी अपील पर रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। हर तरफ चेहरे ही चेहरे, भीड़ ही भीड़। 25 जून को जो रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी की रैली हुई, उस महान बगावती मीटिंग ने इंदिरा जी और उनके तमाम सहयोगियों के होश उड़ा दिए। रामलीला मैदान की रैली में जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर कोर्ट के फैसले के बाद भी इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा नहीं देती तो प्रधानमंत्री निवास का घेराव होगा। इसी रैली में लोकनायक ने कहा, सिंहासन खाली करो। और इसी रैली में जेपी ने लाखों लोगों के सामने पुलिस और फौज को कहा था कि अगर सरकार का कोई फैसला गलत लगे तो उसे नहीं माने। हमारे साथ इस आंदोलन के साथ सहयोग करो, अपनी ड्यूटी भी करो, जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी जमीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज मत मान लो। ये तो महात्मा गांधी जी का हुक्म था अंग्रेजी राज के जमाने में। 25 जून को रामलीला मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई थी और जिसमें सभी उस समय के नेता थे ही, लेकिन जयप्रकाश जी का जो भाषण हुआ था उस दिन वो ऐतिहासिक था। और उसमें जो उन्होंने कहा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, मैं समझता हूँ कि वो उस आंदोलन का एक ऐसा नारा था जिसने उस समय की सरकार को हिला के रख दिया। जेपी के इस आह्वान को सरकार ने सेना को बगावत के लिए उकसाने के बराबर माना। सेना और पुलिस जनता के सेवक है, सत्ता में बैठे हुए लोगों के सेवक नहीं है, तो इसलिए संविधान विरोधी जन विरोधी आदेश को पालन नहीं करना चाहिए, ऐसे जेपी ने एक ऐलान किया। तो इस कारण से संघर्ष में आंदोलन में और तेज गति उसको प्राप्त हो गई, तो सरकार को कंपन शुरू हो गया। जानबूझकर प्रचार दुष्प्रचार हुआ कि उन्होंने आर्मी को कहा कि विद्रोह करो, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि न्यूरनबर्ग ट्रायल्स हिटलर के शाही के बाद जो हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि कोई अवैध या इलीगल ऑर्डर दी जाए आपको, जैसे मिलिट्री को यह कहा जाए कि तुम इस देश की सारे कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले लो, तो ये अवैध होगा, इसका आपको पालन करने की आवश्यकता नहीं है। एक जना इस हद तक गया कि अगर फौजी किसी हुक्म को गलत समझे तो उसको न माने। यह कार्यक्रम इस महीने के 29 तारीख से शुरू होने वाला था। हमें जरा भी संदेह नहीं कि ऐसा कार्यक्रम शांति और आर्थिक स्थिति को घोर खतरा पैदा करता। ये एक जना जो इंदिरा के शब्दों में इस हद तक गया, वो और नहीं खुद जयप्रकाश नारायण थे। वही जेपी जिन्हें नेहरू खुद हिंदुस्तान का उप प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वही जेपी जो इंदिरा को मेरी प्यारी इंदू कहकर सलाह दिया करते थे, वही जेपी जिन्हें जनता संत समान दर्जा देती थी, वही जेपी जिन्होंने कभी कुर्सी नहीं चाही। जयप्रकाश जी का अपना राजनीतिक स्वार्थ तो कुछ है ही नहीं, उनको तो कुछ चाहिए नहीं, और जयप्रकाश जी का व्यक्तित्व सेवाभावी है, निष्पक्ष है, दलों से ऊपर है। ये तो 1953 से लेकर 1974 तक का इतिहास स्वयं में साक्षी था। बिहार के पूरे अकाल के समय बिहार रिलीफ कमेटी के तत्वावधान में जयप्रकाश जी द्वारा किया योगदान उनके व्यक्तित्व को तो सब राजनेताओं से ऊपर बना ही रहा था। जेपी का एक नया जो ख्याल था, नया विचार था, अब लोग उसके पीछे थे कि हाँ भाई यही जेपी कुछ कर सकता है, इसलिए उसके पीछे लगे, क्योंकि जेपी एक नया विचार, नया ख्याल, उसकी नई रोशनी, उस
वो रिप्रेजेंट करता था। जेपी हमारे राष्ट्र के नेता थे, कांग्रेसी थे, उनका बड़ा नाम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके दोस्त थे, उनकी इज्जत करते थे, लेकिन जेपी को मजबूरन कांग्रेस को चुनौती देनी पड़ी देश को बचाने के लिए। जेपी की रैली में क्या हो रहा था, इसकी पल पल की जानकारी इंदिरा को मिल रही थी। जब मीटिंग होने के बाद जेपी ने कहा मेरे साथ खाने के लिए चलो, तो गांधी पीस फाउंडेशन गए, तो मैं 12 बजे तक था और मेरा वो मुझे पूछ रहे थे क्या लगता है आपको ये सारी परिस्थितियों में। मैंने कहा मुझे लगता है कि मिलिट्री रूल लगेगी, और उन्होंने कहा नहीं नहीं लग सकती है, इतनी पब्लिक की उत्साह हो गई है, ये डरेगी ये करेगी नहीं, बड़ा विरोध विद्रोह हो जाएगा, वो नहीं करेगी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता, उसका तो जान का सवाल है, अब यानी सारा राजनीतिक जीवन का सवाल है, तो करेगी जरूर। 25 जून 1975 शाम 7 बजे एक सफदरजंग रोड नई दिल्ली। एक सफदरजंग रोड पर इंदिरा गांधी के करीबियों की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में उनके सलाहकार थे दिल्ली के उपराज्यपाल कृष्ण चंद्र, हरियाणा के मुख्यमंत्री बंसी लाल और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ओम मेहता। शाम 7 बजे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे भी उनके निवास पर पहुंच गए। 28 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में आपातकाल की तैयारियों का जिक्र था और साथ ही उन लोगों के नामों की लिस्ट थी जिन्हें गिरफ्तार किया जाना था। दस्तावेजों के मुताबिक सिद्धार्थ शंकर रे ने पहले ही देश के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को आनंद मार्ग और आरएसएस के प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी के लिए लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी दे रखी थी। उस शाम ये लोग उस लिस्ट में बस कुछ जोड़ घटाव कर रहे थे। छह महीने इमरजेंसी से पहले उन्होंने सोचा था इमरजेंसी इम्पोज करने के लिए, और ये साफ बता क्लियर होता है, सिद्धार्थ शंकर रे ने एक चिट्ठी लिखा है इंदिरा गांधी को, सारे स्टेप्स बताए जो करना चाहिए इंटरनल इमरजेंसी करने के लिए। ऑपोजिशन को अरेस्ट करना है, सेंसरशिप को ले आना है, चीफ मिनिस्टर्स को सीक्रेटली बताना, कैबिनेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लेना था। वो 6 महीने पहले उन्होंने ये वैसे सेकंड थॉट्स हुआ था और उन्होंने इमरजेंसी नहीं इम्पोज किया। सिद्धार्थ शंकर रे ने 6 महीने पहले से ही उनको ये सुझाव दिया था कि वो अचानक वाली बात नहीं थी, पहले से ही किसी ने उनको बोला था कि अभी आपको सख्त कदम लेना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस निकाल लें, ये कर ले वो कर ले। लेकिन राजनीतिक जवाब तैयारी के साथ देने की अलग चुनौती सामने आ खड़ी हुई थी। इस बैठक में संवैधानिक जवाब देने का ही मसौदा तैयार किया जा रहा था। इस मसौदे में आगे के कदमों का जिक्र था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से ये मुलाकात महज 20 मिनट रही। इंदिरा गांधी ने जेपी की रैली के बाद खराब होते हालात के बारे में राष्ट्रपति को बताया। तय हुआ कि राष्ट्रपति को एक अनुरोध पत्र लिखित में दिया जाएगा और साथ ही क्या करना है ये भी उसमें लिखा हुआ होगा। उस रात को जो मेन प्लेयर्स थे, संजय गांधी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर देन लेफ्टिनेंट गवर्नर किशन चंद था, उनकी स्पेशल असिस्टेंट नवीन चावला था, मिसेस गांधी के पर्सनल असिस्टेंट आर के धवन था, ये लोग सब कंस्पिरेसी कर रहे थे। 25 जून 1975 रात 11:20 इंदिरा गांधी के सचिव आर के धवन एक बार फिर राष्ट्रपति भवन पहुंचे। उनके हाथ में चिट्ठी थी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी राष्ट्रपति के नाम। यही वो मसौदा था
जिसे प्रधानमंत्री निवास में शाम से तैयार किया जा रहा था। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री निवास से आए तयशुदा लिखित कागज पर दस्तखत कर दिए, लेकिन अभी जद्दोजहद खत्म नहीं हुई थी। हस्ताक्षर के बाद ये तय करना था कि अब देश की जनता को क्या कहना है। देर तक इसी बात पर माथा पच्ची होती रही। वो लिस्ट सब बन रही थी, दिल्ली ऑफिशियल्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑर्डर्स दिया था सीक्रेटली, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर्स को भी बताया था कि आपके स्टेट्स में लोग को अरेस्ट कर लेना। और हुआ वही जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तयशुदा कदम उठाए जाने लगे थे, सोते हुए लोगों को जगाकर कहीं और ले जाया जाने लगा था। हर तरफ गिरफ्तारियां शुरू हो गई थी। रात के 12 बजे के अंधेरे से लेकर और रात के 2 बजे तक और सुबह 4 बजे के बीच में, इन 4 घंटों में जो घटनाक्रम हुआ, सारे लीडर उठा लिए गए और बिजली काट दी गई, अखबारें नहीं छप सके और अगले दिन लगभग ठप था, सब अखबारों के दफ्तर ठप थे। और उसके बाद तुरंत जो है वो इमरजेंसी के साथ साथ ये आपका सेंसर लगा दिया गया और सेंसर अधिकारी नियुक्त हो गए। ठीक इसी वक्त दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग की बिजली चली गई। इसी इलाके में ज्यादातर अखबारों के दफ्तर थे, अखबारों के प्रिंटिंग प्रेस थे, अखबारों की प्रिंटिंग रुक गई, अखबार नहीं निकल पाए। अपने दफ्तर से एक्सप्रेस में काम करता था तो वहां से फोन आया कि जी ये पुलिस वाले जो वैन होते हैं ना अखबार डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, अखबार के लिए, वैनों को जाने नहीं दे रहे। मैंने क्यों नहीं जाने दे रहे? तो कहते हैं जी पुलिस कहती है कि इमरजेंसी लग गई। फिर बाद में जब पता चला कि ये तो सब एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, जिसमें कि भाई प्रेस को गैग कर दिया गया, लोगों को पकड़ लिया गया और जो अपोजिशन सब लीडरों को कैद कर लिया गया, और ना सिर्फ ये कि फंडामेंटल राइट्स तक को जो सस्पेंड कर दिए गए। 25 जून 1975 रात के 2:30 बजे गांधी शांति प्रतिष्ठान। वो काली अंधेरी रात बहुत लंबी थी। रात के करीब 2:30 बजे थे। जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान की रैली में हिस्सा लेकर लौटे और यहीं गांधी शांति प्रतिष्ठान में आराम कर रहे थे। तभी उन्हें नींद से जगाया गया। देश के सबसे बड़े गांधीवादी नेता को आज़ादी के बाद एक बार फिर से जेल की सलाखों के पीछे डालने की तैयारियां हो चुकी थी। जो जयप्रकाश जी ने को जब गिरफ्तार किया जा रहा था 26 की सुबह, 26 जून 1975 की सुबह, और उन्होंने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बहुत सही वक्तव्य था। तो क्या इंदिरा ने जेपी के भाषण से पहले ही आपातकाल लागू करने का मन बना लिया था? और अगर हाँ तो इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी और राष्ट्रपति के सहमति की जरूरत थी। छब्बीस जून 1975 सुबह के 3 बजे एक सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी अपने करीबियों के साथ ये तय कर रही थी कि लोगों को आपातकाल का मतलब और उसका मकसद कैसे समझाया जाए। सुबह के 3 बजे तक देवकांत बरुआ, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इंदिरा गांधी और सिद्धार्थ शंकर रे ये फैसला कर रहे थे कि लोगों को आपातकाल का मतलब कैसे समझाया जाए। लेकिन 12 बजे के करीब फोन आया कि कंफर्म करो कि जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया। अब बीट रिपोर्टर क्राइम बीट पर होने के कारण ये हमारा ही काम था, लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम चला सारी रात, धरपकड़ चली और अखबारों की बिजली काट दी गई और उसके कारण अखबार नहीं छप सके अगले दिन,
केवल एक एक बीजी वर्गीस ने अपने अखबार को किसी तरह से कुछ कॉपी छापी और खाली अखबार और काला हाशिया बना दिया, जो अपने आप में एक एक संदेश था अगले दिन लोगों को देखकर कि कुछ हुआ है। क्योंकि इससे 3 घंटे पहले देश में आंतरिक आपातकाल लगा दिया गया था। राष्ट्र के नाम संदेश तैयार करने के बाद प्रधानमंत्री की ये बैठक खत्म हो गई। 4 तरफ बिना वारंट के गिरफ्तारियां हो रही थी। मुरारजी देसाई और चरण सिंह जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था। जेपी को गांधी शांति प्रतिष्ठान से संसद मार्ग थाने लाया गया, लेकिन पुलिस अधिकारी उन्हें ये बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बाद में जेपी को सोहना की सरहद पर गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया। आखिरकार जेपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 107 लगाई गई। ये सेक्शन सड़क पर आवारा घूमने वालों पर लगाया जाता है। रात की बैठक में ये बात चली थी कि अगले दिन अखबार नहीं छपेंगे और देश के हाईकोर्ट भी बंद रहेंगे। शायद अखबारों की बिजली भी इसीलिए काटी गई थी। बहरहाल अगले दिन हाईकोर्ट तो खुले, लेकिन अखबार इक्का दुक्का ही छपे। 26 जून 1975 की सुबह 6 बजे कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। इमरजेंसी मीटिंग में पहुंचने वाले मंत्रियों को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि पिछले 6 घंटे में देश कितना बदल गया है। इमरजेंसी मीटिंग में इंदिरा के 15 मंत्री शामिल हुए, लेकिन किसी भी मंत्री को इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर ये इमरजेंसी मीटिंग किस लिए बुलाई गई है। थोड़ी देर के बाद इंदिरा ने अपने मंत्रियों को देश में आपातकाल की सूचना दी। कोई कुछ नहीं बोला। आपातकाल को लेकर इंदिरा का तर्क सिर्फ इतना था कि देश के अंदरूनी हालात पर काबू पाने के लिए आपातकाल लगाया गया है। सिर्फ 1 मिनट के अंदर कैबिनेट ने इसे स्वीकार कर लिया। होम मिनिस्टर मिस्टर ब्रह्मानंद रेड्डी, उनको भी नहीं पता, बिल्कुल अंत में उनको पता लग गया और इनका कैबिनेट को बिल्कुल वॉज इन द डार्क। उन लोग को 6 बजे सुबह में बुलाया और बता दिया कि ये हो गया है, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया है। तब इंदर कुमार गुजराल सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री थे। उनकी जगह ज्यादा विश्वस्त सिपाह साला विद्याचरण शुक्ल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय का काम सौंपा गया। डीडी और एआईआर पर ऑन एयर जाने से पहले सभी खबरों को सेंसर करने के लिए एक सेंसर अफसर तैनात कर दिया गया। अखबारों में भी ऐसे सेंसर अधिकारी बिठाए गए थे जो हर खबर को चेक करने के बाद उसमें काट पीट कर ही उसको छपती थी। न्यूज़ के ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। अखबारों को कहा गया था कि बगैर सेंसरशिप की कोई खबर नहीं छपेगी। और बीबीसी, जिसमें मैं काम करता था, बीबीसी को कहा गया कि आपकी भी सेंसरशिप होगी। तो जो मार्क टली जो चीफ ऑफ ब्यूरो थे हमारे, उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी है बीबीसी की कि हम सेंसरशिप कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो शुक्ला जो हमारे मंत्री थे, सूचना मंत्री, उन्होंने कहा अगर आप सेंसरशिप को मानने को तैयार नहीं है तो आपको अपना दफ्तर यहाँ बंद करना पड़ेगा। तो हमने दफ्तर बंद कर दिया था और मार्क टली वापस चले गए। जिस तरह से सेंसरशिप, जिस तरह से अखबारों में हम लोग देखते थे कि वो या तो एडिटोरियल का जो की जो जगह थी वो खाली जा रही थी, कई जगहों पर कालिख से उसको मिटाया गया था कुछ खबरों को। 26 जून 1975 सुबह 8 बजे। 26 जून को लोगों ने आदतन समाचार सुनने के लिए सुबह 8 बजे रेडियो ऑन किया तो समाचार वाचक की जगह आवाज आई इंदिरा गांधी की, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। द प्रेसिडेंट हैज प्रोक्लेम्ड इमरजेंसी। हिंदुस्तान के इतिहास में 25-26 जून
कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बांध करके जेल खाना बना दिया गया था। देश में संपूर्ण क्रांति का सपना लेकर के चल रहे जयप्रकाश जी नारायण के नेतृत्व में लाखों देशभक्तों को, लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था। अखबार पर ताले लग गए थे, रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। एक प्रकार से कहें तो लोकतंत्र को सस्पेंड कर दिया गया, नागरिक अधिकारों का हनन हो गया, उनको समाप्त कर दिया गया, मीडिया की स्वतंत्रता छीन ली गई, न्यायपालिका की प्राइमेसी और स्वतंत्रता छीन ली गई। ये वो काल था और मैं उसको इस देश के इतिहास में एक काला अध्याय मानता हूँ। ऐसे वो क्या हालात थे जिनकी वजह से ये कदम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत कहना चाहिए, मेरे ख्याल है इंदिरा जी भी, उनकी नीयत बिल्कुल साफ थी, वो कोई ऐसा काम नहीं कर सकती थी जो देश के हित में ना हो। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि उस वक्त के हालात क्या बन गए थे जिसकी वजह से उस सरकार को मजबूरन ये अनहैप्पी कदम उठाना पड़ा। मुझे आज भी याद है कि 26 तारीख को सुबह जब हम लोग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विरोध सभा कर रहे थे, तो उसके बाद विश्वविद्यालय के रेक्टर प्रोफेसर मोनी सरजा ने मुझको बुलाकर कहा कि बरखुरदार, अब क्रिकेट का खेल ख़त्म हो गया है, ये असली और लंबी लड़ाई है, तैयारी करनी है तो उसकी तैयारी। संविधान के अनुच्छेद 352 की सहायता से देश में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। इसका मतलब था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बिना रोक टोक के जब तक चाहे सत्ता में रह सकती थी। लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनावों की जरूरत नहीं थी। अखबार और मीडिया आजाद नहीं थे, उनमें वही बातें लिखी और पढ़ी जा सकती थी जिसे सरकार ने जारी किया हो। संसद में अपने बहुमत के आधार पर सरकार हर तरह के कानून पास करा सकती थी। इंदिरा गांधी ने अपने भाषण में वो तमाम बातें कही थीं जिसकी तैयारी पिछले कई महीनों से की जा रही थी और जिसे अंतिम रूप उन्होंने सुबह 3 बजे दिया था। वो साफ लफ्जों में इमरजेंसी और उसकी वजहों को लोगों को समझाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि सेना को सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, इसलिए इमरजेंसी जरूरी है। 26 जून की सुबह सूरज तो निकला था, लेकिन यह आजाद भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों का अंधकार लेकर आया था, अंधकार आपातकाल का।